कांग्रेस ने गोरखपुर से उतारा अपना प्रत्याशी, मैदान छोड़ दिल्ली भागे योगी, लगा जबरदस्त झटका, भाजपा में मची खलबली। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की शहर विधानसभा सीएम योगी आदित्यनाथ के लड़ने से वीआईपी सीट बन चुकी है। इस सीट पर पूरे प्रदेश की निगाह है। अभी कुछ ही दिन पहले समाजवादी पार्टी ने भाजपा के कद्दावर नेता स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला की पत्नी शुभावती शुक्ला को योगी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं अब कांग्रेस ने भी यहां से महिला चेहरे चेतना पांडे को टिकट देकर गुरुवार को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में सक्रिय रहने वाली चेतना पांडे 3 साल से कांग्रेस पार्टी में सदस्य के रूप में काम कर रही हैं। यूनिवर्सिटी में चेतना पांडे की बोलने की शैली से हर कोई प्रभावित हो जाता था। गोरखपुर की जगत बेला स्टेशन के बगल में स्थित ग्राम मजगावा की रहने वाली चेतना पांडे के पिता रेलवे में स्टेशन मास्टर थे। अब वो रिटायर हो चुके हैं। लगभग 38 साल की चेतना पांडे बचपन से ही बोलने में तेज तरार थी। वो 1.5 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान छात्रों की आवाज बुलंद करने के लिए कई आंदोलन में भी भाग ले चुकी हैं। साल 2005 में अपनी लोकप्रियता की वजह से ही गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में चेतना पांडे उपाध्यक्ष चुनी गई थी। छात्र राजनीति के साथ ही चेतना पढ़ाई में भी अव्वल रही हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर अपने नाम के आगे डॉक्टर भी जोड़ लिया है। अब इनको डॉक्टर चेतना पांडे के नाम से भी जाना जाता है।